प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश कृषि विभाग द्वारा जीरो बजट खेती पर आयोजित किए जा रहे 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को इस कृषि विधि के लाभ बताए। राज्यपाल ने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती से जहां किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है, वहीं इससे पानी की बचत होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से भी ये खेती लाभदायक है। आचार्य ने कहा कि जिन किसानों के पास पहाड़ी गाय है, वो जल्द से जल्द इस कृषि पद्धति को अपनाए, और इनके पास पहाड़ी गाय नहीं है, उनको गाय खरीदने में उद्योगपतियों ने सहायता देने की बात कही है। वहीं अनेक उद्योगपतियों ने इस तरह की कृषि से होने वाले जहर मुक्त उत्पादों को खरीदने की बात भी कही है। राज्यपाल ने कहा कि जो लोग अपनी पहाड़ी गायों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। शोध से पता चला है कि जहां दूध देने वाली गाय में 1 ग्राम गोबर में करीब 3 करोड़ जीवाणु होते हैं, वहीं दूध ना देने वाली गाय के गोबर का आंकड़ा 5 करोड़ होता है। राज्यपाल ने कहा कि जीरो लागत प्राकृतिक खेती के प्रयास करीब 3 साल पूर्व शुरू किए गए थे और अब इसके व्यवहारिक परिणाम दिखने को मिल रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में भारी संख्या में युवाओं की भागीदारी को इस खेती के प्रोत्साहन की दृष्टि से अच्छा संकेत बताया। 100% गारंटी, 100% कोई धोखा इस खेती में नहीं है। मैं 200 एकड़ में 7 साल से करता हूं और मैंने करता, आंध्र प्रदेश के 3 लाख किसान करते, दक्षिण भारत और देश के 40 लाख किसान इस खेती को करते। आप वरदान सिद्ध होगा, कल्याण हो जाएगा। आप इसको करेंगे तो आप केवल आर्थिक लाभ अलग है, आप पुण्य इतना कमाओगे वो तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इससे पानी की बचत 70-80% कम हो जाएगी, पर्यावरण बिल्कुल खराब नहीं होगा, जमीन की उर्वरा शक्ति ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जाएगा। जो गाय दूध देती है उसके तो 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ के लगभग जीवाणु है, और जो दूध नहीं देती उसमें जीवाणु 500 करोड़ तक हो जाते हैं। ये ना दूध देने वाली दूध देने वाली से भी ज्यादा गुणकारी है, इसलिए जो देसी पहाड़ी गाय हैं, जिनका वो कुबड़ ऊपर निकला होता है, छोटे कद की है, गल कंबल है, नीचे सूंड है, ये इसकी पहचान है। ये जंगल में घूमती हो ना, पकड़ लो, ये कुछ नहीं खाती, बकरी जितना खाती बेचारी। आप घास फूस खिलाओ, उसको दाना देने की भी जरूरत नहीं, और आपको अमृत देगी। जितनी गाय प्रदेश में सारी को पकड़ लो, अपने घरों में आओ, ये करो दिया, ठीक है, ये गौ माता की जय होगी। एक बार एक तो तरीका ये, दूसरा अभी सरकार आने के बाद मैं आग्रह किया तो हमने पॉलिसी चेंज की, अब यहाँ साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी, वो सीमन हमने मंगवा दिए। अपनी इन गायों को वो सीमन लगवाओगे तो ये देसी बन जाएंगी सारी आगे। जैसे आपने पहाड़ी को लगा के अंग्रेजी बना ली, वैसे देसी बना लो, यही तरीका है, दो तरीके। तीसरा तरीका ये है, हमने नीचे संपर्क किया है, प्रदेश के कुछ किसानों ने गाय मंगवाई भी है, हमारे नीचे लोगों से संपर्क है, 1 साहिवाल राठी देसी गाय जिस जो 10-12 किलो दूध देती है, बहुत सील और मजबूत गाय, वो यहां तक पहुंचने में लगभग 50,000 रुपए में मिलती है। अब गाय मिलनी बंद होगी, सारी मार दी या छोड़ दी, जो अच्छे दूध देने वाली वो 50,000 औसतन रेट में मिलती है। हम एक योजना बनाने जा रहे हैं, मैंने कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क किया, पैसे वालों से, मैं कह धन कहां जाएगा, तुम ईंट पत्थरों में लगेगा, आप इस धन को हमें दो और हम 25,000 रुपया तो किसी सेठ से लेंगे और 25,000 रुपया किसान से लेंगे, 50,000 की गाय दे दे।
गौरतलब है कि कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में पहली बार जीरो बजट खेती पर इतने बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 6 जिलों के करीब 1000 किसान शिरकत कर रहे हैं। देश में शून्य बजट प्राकृतिक खेती को पहचान दिलाने वाले पद्मश्री सुभाष पालेकर किसानों को जीरो बजट खेती की बारीकियां सिखा रहे हैं। यहां से प्रशिक्षित होने वाले किसान अन्य किसानों को इस खेती की विधि से अवगत करवाएंगे। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुभाष पालेकर को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल ने शून्य बजट खेती को लेकर विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी।